नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास क्राफ्ट्स विला। आज फिर से हाजिर हूँ वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट लेकर। मेरे पास ये कैल्शियम सैंडल्स की बोतल थी, बहुत पुरानी है और मैंने काफी दिनों से इसे संभाल के रखा है। और ये मैंने एक पेस्ट ले लिया, थोड़ी सी दूसरे क्राफ्ट बना रही थी, ये बच गई थी, तो इस ये है वॉल पुट्टी, वाटर, फेविकॉल और थोड़ी सी कलर मिक्स की हुई है, तो इसे ही आज मैं यूज कर ले रही हूँ। तो इसके निचले पोर्शन पे कंटेनर की मैं एक मोटी सी ये पेस्ट की लेयर लगा लूंगी। तो कंटेनर के चारों ओर मैं ये लेयर को मोटी सी लगा लूंगी। अब मैंने ले लिया है ये इमली का बीजा, टर्मरिन सीड्स। तो ये हमें इस तरह से बस प्रेस करके लगा लेना है, ये देखिए। इसीलिए हमें थोड़ी मोटी लेयर लगानी है ताकि बीजा अच्छे से इस पर सेट हो जाए। तो हमें ये बीजा को चारों तरफ इस तरह से मैं लगा लूंगी। अब हाथों में थोड़े से पानी लेकर इसे हमें स्मूथ कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। तो चलिए अब इसे ड्राई करने के लिए रख देते हैं। ये अब ड्राई भी हो चुकी है तो अब कलर कर लेते हैं। तो मेरी प्यारी सी टेडी को मैं करूंगी येलो कलर। तो हमें येलो कलर को पूरे में कर लेना है। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस या आइडियाज पसंद आते हों तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मैं ये भी बता दूँ कि मेरी अधिकतर क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल रिलेटेड ही होती है और मैं घर की हर एक तरह की वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको क्राफ्ट पसंद आती हो तो रिक्वेस्ट करेंगी कि चैनल को भी अवश्य विजिट करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस जरूर पसंद आएगी। तो और मैंने ये थोड़ी सी ब्राउन कलर लेके इस तरह से थोड़े से हाथों से ही रब कर लिया है। तो ये चारों तरफ मैंने कर लिया है और ये बना ली है मैंने आँखें। और ये रही इसकी छोटी सी प्यारी सी नाक। तो ये अब कलर हो चुकी है तो इसे अप्लाई करने के लिए रख देते हैं। अब मैंने ले लिया है मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे बेलन से मैंने बेल लिया है। अब ये मेरे पास ये फ्लावर की छोटी सी कटर थी, क्ले कटर, तो मैंने उसी से ये छोटे छोटे फ्लावर्स को कट कर लिए हैं। मैंने कुछ इस क्ले से इस छोटी छोटी ड्रॉप शेप बना ली है, थोड़े से प्रेस करके इसे लीफ शेप इस तरह से मैंने दे दिया है। तो कुछ लीव्स भी मैंने बना लिए हैं और मैंने क्ले की कॉइल भी बना ली है। तो चलिए अब लगा लेते हैं ये फैब्रिक ग्लू और हमें इसे अभी चिपका लेना है। तो मैंने जो कॉइल बनाया था उसे मैंने ऊपर चिपका है, मुझे ढक्कन नहीं चाहिए। मैं इसे मैं फ्लावर या प्लांट कुछ रखूंगी तो इसीलिए मैंने ऊपर में ये क्ले को इस तरह से चिपका लिया। अब थोड़े से फ्लावर्स भी हमें लगा लेने हैं, थोड़े से लीव्स। तो इस तरह से सबको मैं ये फैब्रिक ग्लू लगानी है और हमें इसे चिपका लेना है। फ्रेंड्स, हमारे घर में ही इतने वेस्ट मटेरियल रहते हैं जिसे हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, पर उससे ही हम अच्छी अच्छी होम डेकोर बना सकते हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के कबाड़ का यानी कि वेस्ट मटेरियल का यूज़ करें और सुंदर सुंदर होम डेकोर आइटम्स बनाएं। और अपने हाथों से बनाए हुए क्राफ्ट तो यूनिक होते ही हैं और ये जो खुशी मिलती है ना वो आपको दूसरे चीज़ों में नहीं मिलेगी। बाहर से जितने भी सुंदर चीज़ें आप खरीद के लाए वो खुशी आपको उन चीज़ों में नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, ये मैंने वाइट कलर, तो ये सभी एक्रेलिक कलर हैं। और अब मैं लगा लूँगी ग्रीन कलर। तो पत्तों में मैं कर लूँगी ग्रीन कलर और फूलों में मैं लगा लूँगी ये, पहले तो कुछ को मैं रेड कलर करूँगी और कुछ को मैं कर लूँगी थोड़ा सा वाइट मिक्स करके पिंक कलर के फ्लावर्स। वैसे तो ये वाइट भी बहुत अच्छी ही लग रही है पर मैं इसमें रेड और पिंक कलर के फ्लावर्स बनाऊंगी। अब ऊपर में जो फ्लावर्स के बीच में मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना के डाले हैं तो उसमें मैं कर लूँगी येलो कलर। अब मेरे प्यारे सी टेडी के सर में जो मैंने कॉयल इस तरह से लपेटा था और डिज़ाइन भी मैंने थोड़े से किए हैं उस पर, तो उस पर मैं लगा लूँगी ब्राउन कलर। तो कलर कंप्लीट करके इसे अब ड्राई करने के लिए रख देते हैं। तो ये तो बन गई मेरी एक कंटेनर खूबसूरत सी, तो इसमें कुछ रखना भी है तो इसके लिए बनाऊंगी फ्लावर्स।
तो चलिए देखें आज मैं किससे फ्लावर्स बनाती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है भुट्टा या मकई की जो ऊपर के छिलके होते हैं उसे उसे मैंने सुखा लिया है। तो अब इसे थोड़ा राउंड राउंड हो जाती है सुखा लेने के बाद, तो इसे मैं थोड़ा आयरन कर लेती हूँ, ये सीधी हो जाएगी। ये देखिए, तो इसे हमें प्रेस कर लेना है थोड़ा सा। इसी तरह से मैं सभी को कर लूँगी। तो आज मैं इसी से फूल बनाऊंगी। तो देखिए सभी को मुझे पहले प्रेस कर लेना है, अब फिर मैं इन सभी को कट कर लूँगी। तो पहले ये ऊपर की फटी हुई और नीचे भी मुझे कट कर लेना, और बीच के हिस्से को मैं यूज़ करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं कट कर ले रही हूँ। अब इसे मैं फ्लावर की पेटल्स बनाऊंगी। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। आप चाहे तो इसे कलर भी कर सकते हैं, पर इसकी जो नेचुरल कलर है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं इसे कलर नहीं करूंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसे पेटल्स की तरह कट कर लिया है। तो ऐसे मुझे काफ़ी सारे बना लेने हैं, और आपको इन पेटल्स को इस तरह से हाथों से थोड़ा सा फैला लेना है ऊपर की तरफ। ये देखिए अब मैंने एक और ये छिलके ले लिए हैं, और मैंने इस तरह से बस छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें कट लगा लेना है पूरे में। और मैंने फ्लावर के कई साइजेस के पेटल्स कट कर लिए हैं, ये देखिए छोटे बड़े। तो अब सभी पेटल्स को हमें इस तरह से देखिए हाथों से ही हमें कर लेना है। तो ये बिल्कुल ये रियल फूल की पंखुड़ी की तरह थोड़ी सी मुड़ जाएगी। ये देखिए हमें हाथों से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करने से ही ये आसानी से एक शेप ले लेती है इस तरह के। तो हमें सभी पेटल्स को इस तरह से कर लेना है। और ये जो बड़ी वाली पेटल्स है तो उसे पहले हमें इस तरह से फैला लेना है। अब मैंने ले लिया है ये एक, आप टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं आपके पास जो है, और उससे मुझे इस तरह से थोड़ी मोड़ लेना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें धीरे धीरे करना है। तो ये बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी की तरह बन जाएगी फ्रेंड्स। ये देखिए तो ऐसा मैं सभी पेटल्स को इसी तरह से कर लेना है। तो इससे आप बहुत तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं। मैं और भी बनाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सभी को कर लिया है, इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए ये बिल्कुल रियल फ्लावर्स की पंखुड़ी लग रहे हैं। ये देखिए, तो अब मैंने ले लिया है बैम्बू स्क्वायर और ले लिया है हॉट ग्लू। हॉट ग्लू लगा लेनी है। अब मैं इसे ये बैम्बू स्क्वायर पे इस तरह से लपेट लूंगी। तो हॉट ग्लू लगाकर हमने पूरे को इस तरह से लपेट लिया है। अब फिर से लगा लूंगी हॉट ग्लू, और अब पहले लगाऊंगी मैं छोटी पंखुड़ी। ये देखिए इस तरह से हमें एक एक करके लगा लेना है। तो छोटे से बड़े इस तरह से मैं पंखुड़ियों को लगाते जाऊंगी। और फ्रेंड्स इसकी जो फ्लावर्स बनती है ना वो बहुत ही खूबसूरत बनती है। तो अभी भुट्टा का सीजन भी है, तो आप भी अगर लाए तो ये भुट्टे के छिलके को ड्राई करने के लिए जरूर रखें, और उससे फ्लावर जरूर बनाएं फ्रेंड्स। ये बहुत खूबसूरत बनती है फ्रेंड्स। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट और एनर्जाइज करते रहिएगा। और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस भी लाती रहूँगी। ये देखिए ये मेरी फ्लावर्स थोड़ी सी तैयार हो गई है। तब मैं बड़ी वाली पेटल्स को लगा ले रही हूँ। आप जैसे चाहे छोटे फ्लावर्स, बड़े तो ज़्यादा पेटल्स लगा के आप बड़े फ्लावर्स भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरी रोज़ कितनी सुंदर लग रही है। तो ये मेरी एक रोज़ कंप्लीट हो गई है। ऐसे मैं और भी बना लूँगी, और जो बैक साइड है वहाँ मुझे ग्लू गन से अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है ये इस तरह से। तो ये मैंने तीन रोजेस बना लिए हैं। ये देखिए रोज कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स। तो मेरी फ्लावर्स भी तैयार हो गई है, और ये कंटेनर भी ड्राई हो गई है। तो चलिए फ्लावर्स को अपनी जगह पे
रख देते हैं। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक फ्रेंड्स, देखिए मेरी क्यूट सी टेडी कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी ये बेस्ट मटेरियल क्राफ्ट कैसे लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।